अगर आप भी इसी तरह की प्यारी प्यारी जजमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और इस मेंबरशिप को लेने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें मैं रोज रोज ढेरों जजमेंट्स, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स आप लोगों को फ्री में मुहैया कराया करती हूँ। आप सभी ने एक बात को महसूस किया होगा कि आपकी पत्नियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको कैसे प्रेशर में लेकर के आए, कैसे आपको परेशान करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको दे सके सेटलमेंट के नाम पर। और इसके लिए चाहे वो एलिगेशंस लगाते हुए सिर्फ खाना बनाने की बातें लिख रही हो, वहां पर वो अल्कोहलिक की बातें लिख रही हूँ, यानी कि किसी भी तरह के वो लांछन लगा रही है, लेकिन घुमा फिरा कर हर एक चीज को वो 498A में लाना चाहती है, क्योंकि 498A को वो हथियार की तरह प्रयोग करना चाहती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में पहले भी कहा है। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर में 3 मई 2024 को बहुत ही प्यारा जजमेंट आप सभी के फेवर में आ जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इन ऑल केसेस वेयर वाइफ कंप्लेन्स ऑफ हैरेसमेंट और इल ट्रीटमेंट सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी कैन नॉट बी अप्लाइड मैकेनिकली, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पत्नी द्वारा प्रताड़ना या दुर्व्यवहार की हर शिकायत के मामले में धारा 498A को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2024 को। और टाइटल है इसका अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा था ये इम्प्यूम्ड जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ पहुंचा था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल 2022 को उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था जिसमें पति ने चार्जशीट को क्वैश कराने की मांग की थी। चलिए समझते हैं कि ये यहां तक कैसे पहुंचा इस केस में और क्या उतार चढ़ाव हुए थे। ये जो पत्नी है इस केस में वो रहती है अर्बन स्टेट में, बाय प्रोफेशन वो असिस्टेंट प्रोफेसर है और बहुत अच्छी सैलरी वो लिया करती है। शादी होती है उनकी दिल्ली में 9 अक्टूबर 2008 को और वो ये दिखाती हैं एफआईआर में कि सगाई और शादी में करीबन करीबन 30 लाख रुपया इनके माता पिता खर्च करते हैं। और वो यहां पर एक बहुत ही अजीब सी बात भी लिखती हैं कि सारा का सारा जो स्त्री धन था वो सारा इसकी फैमिली ने इनके परिवार के लोगों को दे दिया और साथ में ये कह दिया कि जब इस लड़की को स्त्री धन की जरूरत होगी तो वो लौटा देंगे। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है ससुराल पक्ष के लोगों को कि जब स्त्री धन चाहिए होगा तब वापस ले लेंगे। खैर ये परिवार, ये पति और पत्नी रहना शुरू करता है उत्तम नगर दिल्ली में। यहां पर इनको एक बेटा होता है अद्वय, जो कि आज 8 साल का हो चुका है। ये जो पत्नी है इन्होंने एफआईआर में बहुत सारी एलिगेशंस लगाई हैं। उनमें से कुछ मुख्य एलिगेशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने एफआईआर में ये लिखा कि इनका ससुराल पक्ष इनको सोसाइटी में बहुत नीचा गिराने की कोशिश कर रहा था और वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये दिखाती हैं एफआईआर में कि उनसे ज्वेलरी की मांग की जा रही थी, उससे कार की मांग की जा रही थी और ये भी कहती हैं कि ये जो इनका पति है ये 1,50,000 रुपया महीना कमाता है। और ऐसा दिखाती हैं ये एफआईआर में कि ये पति पक्ष ये कह रहा है कि इसको तो दहेज में करोड़ों रुपए मिल जाते। तो ऐसा कहते हुए ये कहती हैं कि कार की मांग की जा रही थी,
फिर ये कहती हैं आगे एफआईआर में कि 5 लाख रुपया पहले ही दे दिए गए थे कार के नाम पर, लेकिन इन लोगों का मन नहीं भरा और ये डिमांड करते रहे और ये कहते रहे कि तब तुम इस घर में रहोगी जब ये डिमांड को पूरा करेगी। यहां पर कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है, किस व्यक्ति ने कब कहां कैसे कहा इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जनरल एलिगेशंस लगाए हैं एक कहानी की तरह। इसी तरह से ये पत्नी आगे ये कहती हैं कि जो ये खाना पकाया करती थी उस खाने में बार बार ये लोग कमियां निकालते थे, इनसे बार बार अलग अलग तरह की डिशेस यानी कि अलग अलग पकवानों को बनाने की मांग की जाती थी और जब वो पूरी नहीं होती थी तो उनके साथ गाली गलौज होता था और उनको मारा पीटा जाता था। अब देखिए 498A की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पत्नी के साथ उसके पति और उसके अन्य परिवार के सदस्य यानी कि पति के अन्य परिवार के सदस्यों ने उनसे दहेज की मांग की हो, ये लड़की दहेज की मांग पूरी कर ना कर पाई हो और उसके साथ फिर उस दहेज की मांग को लेकर के जब क्रुएलिटी की जाती है तो सिर्फ तभी 498A लगता है। लेकिन यहां पर अचिन गुप्ता की वाइफ ने नहीं छोड़ी कोई भी बात, उन्होंने सिर्फ बातें शुरू करी खाने की कमियों को लेकर के। उसके बाद वो ये कहती हैं, आगे बताती हैं कि जो इनकी मदर इन लॉ है जिनको इन्होंने अक्यूज नंबर 3 बनाया था इस एफआईआर में, वो बाय प्रोफेशन एक टीचर है। वो सुबह यानी कि इनकी जो सासू माँ है वो सुबह 7 बजे अपने स्कूल के लिए निकल जाया करती थी और इस बेचारी पत्नी को सारा काम करना पड़ता था और जब वो अपने स्कूल से घर पे वापस आती थी तो वो उसके बाद भी कामों में कमियां निकालती थी। फिर आगे उनको याद आता है सॉरी 498A की FIR लॉन्च करानी है तो फिर वो गोल्ड बैंगल्स के बारे में बात करती थी कि गोल्ड बैंगल्स जो है वो इनकी सासू माँ इनसे मांगती थी और फिर उसमें गाली गलौज और वो दिखाती है कि मारपीट होती थी, लेकिन वो भी जनरल एलिगेशंस है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किस दिन कब कब हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज को रोज रोज किया जा सके, दैट इज जनरल एलिगेशन। खैर उसके बाद इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को अक्यूज नंबर 4 बनाया है और वहां पर ये पत्नी दिखा रही है डायमंड सेट की मांग की जा रही है उनसे सिस्टर इन लॉ की तरफ से, और साथ ही ये बताती हैं इस एफआईआर में कि छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते थे, उनको घर में नौकर की तरह रखा जाता था। ये एलिगेशंस लगाए हैं इन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ पर जिनको अक्यूज नंबर 4 इन्होंने बनाया है। और अक्यूज नंबर 1 जिनको इन्होंने अक्यूज बनाया है यानी कि इनके हस्बैंड है, उनको ये अल्कोहलिक दिखाती हैं और ये कहती हैं कि वो नशे की इतनी हालत में रहता था कि वो उस नशे की हालत में इनके साथ मारपीट करता था, टॉर्चर करता था और फोन इनको नहीं यूज करने देता था। फिर इन्होंने अक्यूज नंबर 5 बनाया है ब्रदर इन लॉ को जो कि दिल्ली में रहता है, उनके बारे में सिर्फ उन्होंने ये बात लिखी है कि ये ब्रदर इन लॉ जब भी सिस्टर इन लॉ के साथ अक्यूज नंबर 4 के साथ दिल्ली से इनके घर में पहुंचता था तो वहां पर ये सभी लोगों को मिलकर के भड़काता था। इसके साथ साथ ये दिखाती हैं कि जो इनके पति साहब हैं उनके पति देव का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है किसी और के साथ, किसी और पत्नी के साथ, और फिर ये दिखाती हैं किसी और लड़की के साथ, और फिर ये दिखाती है कि कोविड के टाइम में इनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है और फिर ये मायके आ जाती हैं और एक FIR लॉन्च हो जाती है। 13 अक्टूबर 2021 को चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाती है और साथ में एक क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की जाती है और उस क्लोजर रिपोर्ट के द्वारा पति को छोड़कर के जितने भी अन्य लोगों को इन्होंने अक्यूज बनाया था उन सभी के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। तो ये जो पति अकेले बचते हैं जिनके अगेंस्ट ये चार्जशीट फाइल की गई थी वो हाईकोर्ट में पहुंचते हैं और हाईकोर्ट में कहते हैं कि इनकी पत्नी ने कहीं पर भी कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया, जनरल एलिगेशंस लगाए हैं और साथ ही उन्होंने डाउरी डिमांड कहीं पर ज्यादा नहीं दिखाई है, वो जनरल एलिगेशंस लगा रही हैं, कभी खाने की बात कर रही हैं, कभी वो घरेलू नौकर की तरह की बात कर रही हैं, कभी वो ताने देने की बात कर रही हैं, कभी भड़काने की बात कर रही हैं, लेकिन कहीं पर भी वो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा रही है डाउरी डिमांड की और डाउरी डिमांड पूरी ना होने के बाद क्रुएलिटी की कहीं पर कोई बात नहीं की गई है।
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक की बात की है कि इनका पति शराब पीता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करती हैं जिसकी वजह से फिर वो बीटिंग दिखाती हैं, फिर वो क्रुएलिटी दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये हाईकोर्ट में पहुंचे थे इनके पति देव, वो ये भी कहती हैं कि जो इनकी पत्नी है उनकी मुख्य मांग ये थी कि वो घर को अलग करना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि इनका पति परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर के वापस हो। खैर, सुप्रीम कोर्ट में सारी बातों को देखा गया, एफआईआर को बहुत अच्छी तरह से देखा गया, हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन के लिए मना कर दिया था इस चार्जशीट को उसको भी पढ़ा गया, ग्राउंड्स भी पढ़े गए, और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा एंड भजनलाल के केस का जिक्र हुआ, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस का जिक्र हुआ, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी देखा कि ये जो पति है उसने पहले एक डिवोर्स केस फाइल किया था जुलाई 2019 में। शादी होती है इनकी 9 अक्टूबर 2008 को, फिर इनके बेटे का जन्म होता है, और जुलाई 2019 में इनका हस्बैंड क्रुएलिटी के ग्राउंड पर इनके अगेंस्ट, पत्नी के अगेंस्ट एक डिवोर्स केस फाइल कर देता है। लेकिन क्योंकि जब इनकी पत्नी इनको छोड़ करके अपने मायके में गई थी तो ये जो 8 साल का बेटा है उसको छोड़ करके चली गई थी उसके पापा के पास, यानी कि इस पति के पास जिसके विरुद्ध इन्होंने ये केस किया हुआ है। और ये जो पति है जब ये डिवोर्स पटीशन के लिए बार बार कोर्ट में जा रहा था तारीखें भुगतने के लिए या वकील साहब के पास चैम्बर में बातचीत करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए वो इस केस को विड्रॉ कर लेता है। और उसके बाद जो इस लड़की की सास है या इस पति की जो मदर है, ये अक्टूबर 2020 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दायर करती हैं अपनी इस बहू के खिलाफ, और 9 अप्रैल 2021 को ये एफआईआर लॉन्च की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितनी भी एलिगेशंस इस बहू ने, इस पत्नी ने, इस मां ने लगाई हैं वो सारी की सारी जनरल वेक प्रतीत होती हैं, काउंटर ब्लास्ट है, और ये भी ध्यान देने की जरूरत है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस का नोटिस लेने के काफी समय के बाद ये एफआईआर लॉन्च की जाती है, तलाक का केस फाइल होने के 2 साल के बाद और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल होने के 6 महीने के बाद ये एफआईआर लॉन्च होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल और वेग एलिगेशन है, और बिल्कुल ही क्लियर है कि ये काउंटर ब्लास्ट है, ये बदले की भावना से किया गया है। और अगर इस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर चलती हैं, कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई है इसमें अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। और ये सब कहते कहते इस अपील को अलाउ कर दिया जाता है। जो इम्प्यून्ड जजमेंट हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की 5 अप्रैल 2022 की, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सबको क्वैश कर दिया जाता है और एफआईआर को भी क्वैश कर दिया जाता है, और राहत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से इस पति को, जिसमें उसकी पत्नी ने जनरल और वेग एलिगेशंस लगाए थे काउंटर ब्लास्ट की भांति। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप लोग बेकार में डरते रहते हैं, आप लोग अक्सर डरते रहते हैं, आप ये कहते हैं कि अगर आप कोई केस फाइल करेंगे तो आपकी पत्नी खर्चा मांगेगी, एलिमनी मांगेगी, ये करेगी, 498 का केस करेगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस करेगी, और इसी वजह से, डर के वजह से आप जेन्युइन केस भी फाइल नहीं कर पाते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ। और वही, लेकिन यहां पर एक सवाल मेरी तरफ से रहेगा कि क्या पत्नियों पर किसी तरह की रोक है? अगर वो चाहे तो वो केस अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो भी वो फाइल कर देंगी, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि तब आपका एक केस जो फाइल किया जाएगा पतियों के द्वारा बाद में उसको काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ढेरों पहले भी जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये भी इतनी प्यारी सी जजमेंट है जिसमें काउंटर ब्लास्ट कहा गया है 498A के केस को, क्योंकि उसने जो कंप्लेंट फाइल की है वो बहुत समय बाद फाइल की है। इसमें पति के द्वारा क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स का केस फाइल हो चुका था,
इसमें सास के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल हो चुका था, तब जाकर के ये FIR लॉन्च कराती है। तो इसीलिए काउंटर ब्लास्ट कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया, इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और प्रोसीडिंग्स को और FIR को क्वैश कर दिया। अगर आप भी इसी तरह की प्यारी प्यारी जजमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और इस मेंबरशिप को लेने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें मैं रोज रोज ढेरों जजमेंट्स, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स आप लोगों को फ्री में मुहैया कराया करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।